हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएनपी जोन। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सभी विलियम शेक्सपियर के लाइफ को कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, अर्थात विलियम शेक्सपियर का जीवन परिचय। विलियम शेक्सपियर एलिजा वेथेन एज के एक महत्वपूर्ण एक्टर, ड्रामेटिस्ट एंड सोनेटर रह चुके थे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म एलिजावेथेन एज में होता है। एलिजावेथेन एज का टाइम 1558 से 1603 तक का टाइम माना जाता है। और इस समय के जो सबसे महत्वपूर्ण ड्रामेटिस्ट हैं उनमें विलियम शेक्सपियर का नाम आता है। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामास को राइट किया, लगभग 154 सॉनेट्स को इन्होंने राइट किया था। तो यह कुछ फैक्ट है जो कि विलियम शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो बैकग्राउंड था और उनके फैमिली का जो इंट्रोडक्शन था उसके विषय में इंट्रोड्यूस होते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न 23 अप्रैल 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन यह एक प्लेस है, या हम लोग कह सकते हैं स्ट्रैटफोर्ड यह वारविकशायर का एक विलेज है। क्या है? स्ट्रैटफोर्ड वारविकशायर का एक विलेज। यानी विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न 23 अप्रैल 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर। यह क्वेश्चन कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब और कहां हुआ था, यह यूपी के टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। He was baptized at Holy Trinity Church, Stratford on 26 अप्रैल 1564। विलियम शेक्सपियर का नामकरण ठीक उनके जन्म के 3 दिन बाद होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को होता है, जस्ट 3 दिन बाद, यानी 26 अप्रैल को इनका नामकरण किया जाता है। और इनका नामकरण हॉली ट्रिनिटी चर्च में होता है, यानी कि इनका नामकरण किस चर्च के पादरी के द्वारा होता है, तो हॉली ट्रिनिटी चर्च। और यह चर्च कहां पर इस्टेब्लिश है, तो यह चर्च स्ट्रैटफोर्ड नामक प्लेस पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट फैक्ट है स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड इज अ विलेज इन वारविकशायर। वारविकशायर का एक छोटा सा विलेज स्ट्रैटफोर्ड को माना जाता है। और यह प्लेस यानी स्ट्रैटफोर्ड और वारविकशायर सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। आर्डेन का जो जंगल है उसी के आसपास का यह प्लेस माना जाता है। विलियम शेक्सपियर एक ऐसे लिटरेरी पर्संस थे जिनका जन्म 23 अप्रैल को होता है और 23 अप्रैल को इनकी डेथ भी होती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और
इनको दफनाया कहां जाता है? ही वॉज ब्यूरिड द होली ट्रिनिटी चर्च। तो जो होली ट्रिनिटी चर्च था उसी के कब्रिस्तान में, यानी उसी के आसपास का जो कब्र था उसी में इनको दफनाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और एक क्वेश्चन भी यूपी के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर की डेथ कब होती है, तो 23 अप्रैल 1616, और कहाँ पर होती है, तो स्ट्रैटफोर्ड में ही होती है। कब होती है, तो 23 अप्रैल। नेक्स्ट फैक्ट है, 23 अप्रैल विल बी May 3 अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कैलेंडर। अगर आज के कैलेंडर से तुलना किया जाए तो 23 अप्रैल 3 मई को पड़ेगा, यानी वर्तमान के कैलेंडर के अनुसार विलियम शेक्सपियर का जन्म 3 मई को हुआ था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, जॉन शेक्सपियर वॉज द फादर ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी जॉन शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर के फादर थे। इनका खुद का बिजनेस था और इनके फादर का जो बिजनेस था वह काफ़ी डेवलप हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा होता है, यानी कर्ज में चले जाते हैं, जिसके कारण 14 वर्ष की अवस्था में विलियम शेक्सपियर को फैमिली के सपोर्ट के लिए अपने एजुकेशन को ड्रॉप करना पड़ा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी पढ़ाई को किस अवस्था में छोड़ा, तो 14 वर्ष की अवस्था में। और इनके फादर का जो बिजनेस था, यानी इनके फादर जॉन शेक्सपियर किस किस प्रकार के बिजनेस करते थे, तो ट्रेडर थे। यानी द फादर ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज ट्रेडर मीट लेदर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ETC। यानी कि विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर एक व्यापारी थे मीट, यानी कि नॉनवेज का भी बिजनेस किया करते थे, लेदर यानी कि चमड़े का भी व्यापार किया करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अर्थात यह कहा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर एक व्यापारी थे, साथ ही साथ मीट यानी मांस का भी व्यापार करते थे, लेदर चमड़े से जुड़ा हुआ व्यापार था, और एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ व्यापार था। तो इस प्रकार के कुछ व्यापार विलियम शेक्सपियर के फादर के थे। हु वॉज मैरी ऑर्डेन, मैरी ऑर्डेन कौन थी, तो मैरी ऑर्डेन वॉज द मदर ऑफ विलियम शेक्सपियर। मैरी ऑर्डेन विलियम शेक्सपियर की माता थी और इनकी माता एक हायर फैमिली से बिलोंग करने वाली महिला थी। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है कि विलियम शेक्सपियर की मदर किस सोसाइटी से या किस फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इनकी माँ एक हायर सोसाइटी से बिलोंग करती थी। और इनकी जो मदर थी उनके ब्लड में 2 डायनेस्टी थी। वो कौन कौन सी डायनेस्टी थी, एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन ब्लड। यानी कि विलियम शेक्सपियर की जो माँ थी मैरी ऑर्डेन, यह एक पावरफुल समृद्धशाली महिला थी और इनके रगों में 2 ब्लड था। कौन कौन सा, एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन ब्लड। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस फैमिली से बिलोंग करने वाली थी,
तो द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंडोविंग फार्मर। लैंडोविंग फार्मर का मतलब होता है कि एक समृद्धशाली किसान की पुत्री थी और साथ ही साथ इनकी एक बहुत बड़ी पकड़ भी थी। लेकिन इनकी माँ का सपोर्ट इनके फैमिली पर पूरी तरह से नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण इनके फादर को बिजनेस में काफ़ी हानि होती है, जिसके कारण विलियम शेक्सपियर को 14 वर्ष की अवस्था में अपने एजुकेशन को ड्रॉप करना पड़ा। एक और फैक्ट छूट रहा है कि इनकी जो माँ थी मैरी ऑर्डेन, तो मैरी ऑर्डेन बिलोंग टू वार्विकशायर फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करती थी? तो वार्विकशायर फैमिली से। और किसकी पुत्री थी? तो द डॉटर ऑफ प्रॉस्परस फार्मर, या यह भी हो सकता है कि द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंडोविंग फार्मर। और इनकी माँ के रगों में यानी दो डायनेस्टी का ब्लड चल रहा था, कौन कौन सा? एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन ब्लड। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब आइए देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर कब इंटर करते हैं अपने एजुकेशन के फील्ड में। तो विलियम शेक्सपियर एट द एज ऑफ 7 वर्ष की अवस्था में ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड। 7 वर्ष की अवस्था में विलियम शेक्सपियर को स्ट्रैटफोर्ड के एक छोटे से स्कूल ग्रामर स्कूल में प्रवेश करने का मौका मिलता है। अर्थात 7 वर्ष की अवस्था में विलियम शेक्सपियर ने अपने एजुकेशन के फील्ड में कदम रखा, यानी विलियम शेक्सपियर का जो वर्नाकुलर एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, वह कहाँ से शुरू होती है? द ग्रामर स्कूल। और यह स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है? तो स्ट्रैटफोर्ड में। और आगे चल के थोड़ी सी शिक्षा लेने के बाद जैसे इनकी अवस्था 14 वर्ष की होती है, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस होता है इनके लाइफ में, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जिसके कारण इन्होंने एजुकेशन को ड्रॉप कर दिया और अपने पिता के बिजनेस में अपनी सहभागिता निभाने लगते हैं। और यह भी कहा गया है ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषा का बहुत कम अध्ययन किया, यानी इन्हें मौका ही नहीं मिला जिससे कि ग्रीक और लैटिन भाषा को अच्छी तरह से ये पढ़ सके और समझ सके। और बहुत थोड़ा सा नॉलेज इनको मिलता है लैटिन का और ग्रीक का, जिसके लिए यह कोटेशन बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में बोला था। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक यह फैक्ट किससे संबंधित है, किस ड्रामेटिस्ट से जुड़ा हुआ है? तो विलियम शेक्सपियर से। किसने किसके विषय में कहा है? तो बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के एजुकेशन के विषय में बोला है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट है बार्ड ऑफ एवन, यानी विलियम शेक्सपियर वाज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से पुकारा गया है। यानी आपसे क्वेश्चन किया जाए हु वाज नोन द बार्ड ऑफ एवन, बार्ड ऑफ एवन के नाम से किसको पुकारा गया है या कौन जाना गया है? तो विलियम शेक्सपियर। जैसा कि पहले ही हमने मेंशन कर दिया था कि विलियम शेक्सपियर वाज एलिजाबेथन पोएट। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन युग के महत्वपूर्ण पोएट थे, एन एक्टर, और एक एक्टर थे, एंड रिनेसा
प्ले राइट और रिनेसा युग के महत्वपूर्ण नाटककार भी थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यह भी क्वेश्चन यूपी के टीजीटी पीएसटी एग्जाम में पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर किस प्रकार के वर्क लिखा करते थे या विलियम शेक्सपियर को किस एज का राइटर्स माना जाता है। तो विलियम शेक्सपियर को एलिजाबेथन एज का यानी एलिजाबेथन टाइम का महत्वपूर्ण ड्रामेटिस्ट एक्टर और पोएट माना जाता है। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 14 14 वर्ष की अवस्था में ही लेफ्ट हिज एजुकेशन ड्यू टू डेट। 14 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने एजुकेशन का जो करियर था यानी अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा ले रहे थे उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। स्ट्रैटफोर्ड क्या है? तो स्ट्रैटफोर्ड इट इज अ विलेज, यह एक विलेज है और कहाँ का विलेज है? इट इज द विलेज ऑफ वार्विक शायर, वार्विक शायर का यह एक विलेज है। जब विलियम शेक्सपियर की डेथ होती है तो उस समय एक महत्वपूर्ण एपिटाफ को लिख करके उनके कब्र पर टांग दिया जाता है। और इस बात का भी विशेष ध्यान देंगे कि विलियम शेक्सपियर की जब डेथ होती है तो उनकी डेथ के 2 दिन बाद इनको ठीक उसी चर्च के कब्र में दफनाया जाता है जिस चर्च से उनके नाम का नामकरण होता है। तो याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो एपिटाफ क्या लिखा गया था, किस प्रकार का था? द एपिटाफ इज रिटन ऑन द ग्रेव स्टोन। जो एपिटाफ लिखा हुआ था विलियम शेक्सपियर की कब्र के ऊपर जो पत्थर थे उस पर थे, कुछ इस प्रकार के थे। गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक फॉर वियर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर अपने माता पिता के तीसरी संतान थे। क्रम की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर आते थे। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट है कि विलियम शेक्सपियर ने कब शादी की। तो विलियम शेक्सपियर ने 18 ईयर्स यानी 18 वर्ष की अवस्था में अपने से लगभग 8 ईयर इल्डर महिला से उन्होंने शादी किया, यानी अपने से 8 वर्ष बड़ी महिला से इन्होंने शादी किया था। और इनकी शादी 1582 में होती है और इनकी शादी के ठीक 6 महीने बाद इनकी वाइफ ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम था सुसना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विलियम शेक्सपियर ने कब शादी की। तो विलियम शेक्सपियर ने 1582 में शादी की।